आज हम लोग आप लोग को पट्टा काट के दिखाने वाले हैं कैसा भीम के ऊपर पट्टा बनाया जाता है। आप लोग को दिखाएंगे, अपना चैनल पर बने रहिए और अपना चैनल पर देखिए कैसा काम करते हैं हम लोग और कैसा डिजाइन बनाते हैं प्लास्टर डिजाइन। आप लोग देख सकते हो पट्टा में माल छवा जा रहा है अभी भीम के ऊपर। तो भीम के ऊपर पूरा माल छपने के बाद आप लोग को दिखा देता हूँ इसमें पट्टी मार के, आप लोग देख सकते हो। अब इसमें पट्टी मारने के बाद फिर इसको फिनिशिंग करके दिखाएंगे आप लोग को और पट्टा काट के भी दिखाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करो तो आप लोग को देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बता सकते हो आप लोग कैसा काम हो रहा है हम लोग का। तो आप लोग देख सकते हो पट्टी मार रहे हैं अभी कैसे करके, पूरा पट्टी में करना पड़ता है इसको, फिर इसको मापी निकल के काटना पड़ता है, थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा नहीं चलेगा, पूरा एकदम देख सकते हो मेजरमेंट निकाल के इसको काटना पड़ता है। देख सकते हो मेजरमेंट निकाला जा रहा है इसमें, तो पूरा भीम का ऊपर इससे पट्टा आ रहा है, बॉक्स पट्टा है, ऊपर नीचे चारों बाजू है और बीच में एक राउंड पट्टा आएगा वो भी आप लोग को दिखा देंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया रहेगा तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए। कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड करेगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो देख सकते हो अभी मेजरमेंट निकालने के बाद फिर इसमें काटा जा रहा है, देख सकते हो अभी पट्टा कैसे काट रहा है आप लोग देख सकते हो। देखिए पूरा वीडियो वॉच करिए तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसा कटिंग कर रहा है, कैसा हम लोग काम कर रहे हैं और कैसा काम हो रहा है कि नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए ऊपर का पट्टा काट दिया है, फिर नीचे का काट रहा है आप देख सकते हो। तो ये काटने के बाद फिर आप लोग का आगे का प्रोसेसिंग दिखाता हूँ हम लोग कैसा काम कर रहा है इसमें। तो आप लोग देख सकते हो ये काटता है कितना अच्छा करके कटिंग करता है, फिर जो माल भी थोड़ा बहुत लगा रहता है उसको भी साफ किया जाता है अच्छा से, फिर इसके ऊपर सीमेंट पानी मार के आप लोग को दिखा देंगे। देख सकते हो इधर का काट दिया है बाजू वाला, ये हॉल गला है, हॉल गला कर काट दिया है। और अभी इसमें दूसरा भी में बेडरूम गला है, तो इसमें हम लोग काटने वाला है, देख सकते हो काटिंग हो रहा है। तो कैसा आप लोग को काम अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए कैसा काम हो रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। इसमें पट्टा बनाने के लिए मिस्त्री छोड़ा गया है और एक मिस्त्री नीचे प्लास्टर करके जा रहे हैं और एक मिस्त्री पट्टा कटिंग करके जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। अभी सेंटर निकाला जा रहा है मापी के मेजरमेंट निकल के, फिर इसको काटा जाएगा राउंड पट्टा कैसा काटते हैं आप लोग को दिखाएंगे। देख सकते हो अभी मापी निकल रहा है, तो मापी निकलने के बाद इसमें फिर राउंड शेप दिया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो पूरा मेजरमेंट निकाला जा रहा है, फिर राउंड पट्टा जो आएगा उसका, तो आप लोग देख सकते हो। फिर ये अपना देसी जुगाड़ है, तो देख सकते हो वायर और दो खिला ले लिया राउंड शेप देने के लिए, मिस्त्री का जुगाड़ है। देख सकते हो कैसा राउंड शेप देने के बाद इसको काटा जाएगा चिप से। तो कटिंग करने के बाद आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। देख सकते हो राउंड शेप हो गया है, फिर इसमें बीच में पाइप का डिजाइन देगा 3 इंच का, पाइप से कटिंग करेगा, बीच में भी कटना पड़ेगा राउंड कट पट्टा आएगा इसमें। तो चारों बाजू 3 इंच का पट्टा आ रहा है और बीच में 3 इंच का गैप रहेगा राउंड गैप, तो आप लोग देख सकते हो। देखो बीच का माल निकाला जा रहा है काट के, तो काटने के बाद इसको फिर आप लोग को दिखा देता हूँ आगे का प्रोसेसिंग। देख सकते हो अभी काट दिया है, अभी साइड का जो माल है ज़्यादा छाप दिया था उसको अभी कटिंग करके साफ किया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो साफ किया जा रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए तो आप लोग को दिखेगा लास्ट में कैसा काम हुआ है हम लोग का। तो अभी देख सकते हो कैसा राउंड बनाया जा रहा है घिस घिस के कटिंग करके। अभी देखो पूरा माल साफ होने के बाद कितना अच्छा दिखेगा आप लोग देख सकते हो। ये जो पट्टा है ये तो कंपनी की तरफ से आता है, फिर ये तो कम से कम 30 साल तो जाएगा, उसके बाद किधर किधर क्रैक आएगा तो इसको तोड़ के फिर सोसाइटी वाला अपना हिसाब से डिजाइन ले सकता है। तो आप लोग देख सकते हो
एक कंपनी का तरफ से आता है ये डिज़ाइन, फिर बाद में सोसाइटी वाला अपना डिज़ाइन बना सकता है 20 साल 30 साल के बाद। तो देख सकते हो कैसे माल को साफ़ किया जा रहा है। तो साफ़ करने के बाद फिर इसमें आप लोग को दिखाएंगे, इसमें पंच मार के आप लोग को दिखा देंगे। तो आप लोग देख सकते हो अभी इसमें थोड़ा बहुत और भी बाकी है, तो उसको भी साफ़ किया जा रहा है। फिर इसमें सीमेंट पानी मारा जाएगा, सीमेंट पानी मारने के बाद फिर इसमें गुड़गुड़ी दाना चिपका जाएगा। तो आप लोग को दिखा देंगे कैसे चिपका कर गुड़गुड़ी दाना चिपकाता है इसमें। तो आप लोग देख सकते हो कैसे काम किया जा रहा है। काम होने के बाद आप लोग को दिखा देंगे कैसा हो रहा है। तो अभी देख ही सकते हो कैसे कर रहे हैं मिस्त्री काटिंग, अभी हो ही गया है। तो फाइनल टच दे रहे हैं मिस्त्री। फिर ये होने के बाद आप लोग को दिखा देंगे आगे का प्रोसेसिंग कैसा क्या करता है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें अभी सीमेंट पानी दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो सीमेंट पानी मारने के बाद इसमें फिनिशिंग आएगा, फिर उसके बाद आप लोग गुड़गुड़ी मार के दिखाएंगे आप लोग को। देख सकते हो सीमेंट पानी कंप्लीट हो गया। तो अभी इसमें दाना चिपक रहे हैं मशीन से गुड़गुड़ी दाना, ये कलर में अच्छा दिखने के लिए। कलर जल्दी निकलता नहीं है, इसमें कम से कम 20 साल तो रहेगा कलर पकड़ के, तो अच्छा दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हो पूरा फाइनल हो गया है। और यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए।